ज़्यादातर सबा कमर के ड्रामे पसंद सबा हैं कमर पसंद है आपको। जी, पसंद नहीं है उनके ड्रामे पसंद हैं। फेवरेट फ्रूट? फेवरेट फूड? फ्रूट। फेवरेट फ्रूट? फ्रूट। फ्रूट जी। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ बोलो हक से। हमारे पास यंग स्टार्स जो है वो मौजूद है, रोहेल नज़ीर एंड फैसल अकरम, इनको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोहेल कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। फैसल क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोहेल अपने क्रिकेट हवाले क्रिकेट के हवाले से जरा हमें प्लीज बताएं। आई थिंक मेरा स्टार्ट डायमंड क्रिकेट क्लब से हुआ, जिस तरह हर कोई क्लब क्रिकेट स्टार्ट करता है। वहाँ से स्टार्ट किया 15 साल की उम्र में, उसके बाद अंडर 16 खेला, फिर अंडर 19 खेला, फिर पाकिस्तान ए खेला, लाइक प्रॉपरली चैनल के थ्रू यहाँ तक आया। माशाल्लाह। फैसल आप थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से हमें बता देते। जी मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, जवारी क्रिकेट अकेडमी से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। माशाल्लाह। उसके बाद त्रिन क्रिकेट क्लब से मैंने क्रिकेट अपनी जारी की है, उसके बाद अंडर 16 से 19 खेल रहा हूँ, फिर PSL में कराची की तरफ से खेला हूँ और अब ब्रावला कोर्ट सॉक्स में हूँ। तो ये मेरी क्रिकेट जर्नी है। माशाल्लाह जबरदस्त। फैसल स्ट्रेट अवे इंस्पिरेशन कौन है आपकी? मुश्ताक अहमद साहब हैं, लेग स्पिनर हैं, मेरे लेजेंड भी हैं और मेरे रोल मॉडल भी हैं मुश्ताक अहमद साहब। आई थिंक बीइंग अ विकेट कीपर मेरा फेवरेट जॉस बटलर था, लेकिन अपनी टीम में जिस तरह बाबर भाई बैटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हीं को देख के लर्न करते हैं बैटिंग, और जो विकेट कीपर है वो जॉस बटलर। फैसल मैंने आपकी बॉलिंग देखी, बहुत ही मैच्योर बॉलिंग है आपकी। जैसे आपने इफ्तिखार को आउट किया, शोएब मलिक को आउट किया, नो डाउट शोएब मलिक ने आप रन शोएब मलिक ने रन बनाए, लेकिन आपने उनको पवेलियन वापस भेजा। कैसे हैंडल करते हैं प्रेशर को? जी बिल्कुल, प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। ये ऐसे प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली लेजेंड प्लेयर्स हैं, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो कोशिश किए थे कि प्रेशर नहीं लेना, तो इसमें कामयाबी मिली है। जी रोहेल जबरदस्त इनिंग्स आपकी, अनलकली वो मैच हम हार गए, लेकिन जो आपकी इनिंग्स थी देखने लायक थी, क्या कहेंगे उसके हवाले से और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं आप? आई थिंक मुझे एज अ कैप्टन अहमद भाई ने यही जब से प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं उन्होंने यही गाइड किया कि तुमने पूरी टीम को लेके चलना है साथ, लाइक लंबी बैटिंग करनी है। और वो सिचुएशन भी ऐसी हुई कि जल्दी विकेट्स गिर गए थे, तो मेरे पे जिम्मेदारी थी कि मुझे लंबा मैच करना है, तो मेरे जहन में यही था कि मुझे मैच को डीप करना है और अपनी टीम को एक स्कोर पे जाके खड़ा करना है, तो वही हुआ। एंड पे हमने यूटिलाइज भी किया। तो बिल्कुल रोहेल, सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव असरात दोनों होते हैं, आप कैसे हैंडल करते हैं सोशल मीडिया को? आई थिंक सोशल मीडिया के आपने जैसे कहा कि नेगेटिव पॉजिटिव, हम ज़्यादातर रूम्स में होते हैं तो मोबाइल पे ही होते हैं ज़्यादातर, तो बस यही है कि पॉजिटिव तरीके से अगर करो आप क्रिकेट, लाइक जैसे हम क्रिकेट देख लेते हैं और भी चीज़ें। असल जब सोशल मीडिया पे तारीफें होती है तो मज़ा तो आता है, लेकिन जब क्रिटिसिज्म होती है उसको कैसे हैंडल करते हैं? नहीं क्रिटिसिज्म भी होती है, जाहिर सी बात है, ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन उसमें भी हम पॉजिटिव सोचते हैं कि ये चीजें आनी है आगे, तो इसको हम अवॉइड करते हैं इस चीज को। हम जरा $10 लाख अगर मैं आपको दूं और आपको कहूं कि बस क्रिकेट छोड़ दे, ये $10 लाख ले रहे तो रॉयल क्या करेंगे? मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि अब स्टार्ट बचपन से क्रिकेट अगर 2 दिन ना खेलो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बंदा टेंस होने लगता है, तो पैसे हर चीज नहीं होती, जस्ट क्रिकेट। फैसल आपको $15 लाख ऑब्वियसली क्रिकेट नहीं छोड़ सकते, सोच लेना। नहीं नहीं ऑब्वियसली क्रिकेट है, बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा, तो क्रिकेट। रोहेल मुझे ये बताएं निकनेम क्या है आपके क्लब? अंडर 19 में असल में ऐसा हुआ कि मेरी टीममेट्स थे वो ज़्यादातर, मैं जब भी टूर पे जाता तो अकेला चला जाता था शॉपिंग पे और वो ब्रांड का नाम ले लेता, तो जिस तरह मैंने हारिस जो मेरे साथ विकेट लिया उसका नाम गूगल रख लिया था मैंने, उसने मेरा नाम ब्रांड बोल दिया मुझे, क्योंकि वो ब्रांड का नाम लेता था, तो उस वो सारे अंडर 19 में बोलते थे और ज़्यादातर रेला इसी तरह ही मिक्स। फैसल आपको क्या निकनेम? हाँ मुझे घर में भी दोस्त वगैरह सब मुझे फैसु बुलाते हैं। फैसु बुलाते हैं जी। अच्छा हॉबीज क्या है आप लोग की, फ्री टाइम में क्या करते हैं आप? मेरा ये है कि मैं ज़्यादातर स्नोकर खेलता हूँ। हाँ जी स्नोकर पे टाइम स्पेंड करता हूँ। मैं तो स्टार्ट से मेरे मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे नेवी में वहाँ पे वॉलीबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते थे, तो मैं उनके साथ वॉलीबॉल खेलता था, तो अभी भी जब ऑफ होता है तो ज़्यादातर वॉलीबॉल खेल लिया, उसके अलावा बस मैच देख लेता हूँ और घूमना फिरने का शौक। रोहेल
शायरी, सिंगिंग कोई ऐसा शौक है कुछ, फिल्म देखने का? मूवीज देखने का शौक है, लेकिन शायरी वगैरह तो इतनी नहीं आती है। कोई एक आप डायलॉग किसी फिल्म का? एक डायलॉग याद आया है हमारी, हम लोग जब साथ टूर पे गए थे तो एक लड़का था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उससे पिक किया था। वो हर बात पे यही बोलता था, अबे बाबू राय का स्टाइल है ये, लाइक इसी तरह थोड़ा सा रिएक्ट करता था, फिर वही जहन में चढ़ गया तो फिर ये खुश था। जी फैसल, सिंगिंग में कौन पसंद है आपको? अरिजीत सिंह। ये बहुत अच्छा गाता है, ये तो मुझे पता है। बस कर दे, अच्छा गाता है। चलो एक हमने सुनना है एक लाइन आपसे, एक कोई भी याद आ। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रख लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे खुशियां। लगता है ये किसी के लिए गा रहे हैं। चले जी, रैपिड फायर की तरफ हम जाते हैं, और स्ट्रेट अवे आप दोनों से मेरा जो पहला सवाल है वो है फेवरेट। Obviously, सुबह सुबह चाय पीते हैं तो फेवरेट वही होगी। Obviously, चाय, उसके बाद कॉफी, कैपेचिनो। फेवरेट फ्रूट? फेवरेट फूड? फ्रूट। एप्पल। बनाना। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड चाइनीज। अच्छा, बिरयानी। फेवरेट म्यूजिक? कोई भी मौके की मुनासिबत से। जैसी सिचुएशन हो, सैड, रोमांटिक, जो। ओह सैड। रोमांटिक, अच्छा। रोमांटिक भी। फेवरेट वेदर? जो इस वक्त यहाँ पर कश्मीर में चल रहा है, कि क्लाउडी और हल्की सी रेन हो रही हो। ज्यादा बारिश भी नहीं पसंद, लाइक मौसम ऐसा हो कि बारिश ना होए लेकिन मौसम थोड़ा सा ना गर्म होए ना ठंडा, बीच वाला। फेवरेट क्रिकेटर? मेरा इस टाइम पे फेवरेट क्रिकेटर जॉस बटलर। मुश्ताक अहमद, जो कि मैंने पहले बताया। फेवरेट शॉट? मेरी फेवरेट शॉट कट शॉट। कवर ड्राइव। फेवरेट टीवी शो? ड्रामा, ज्यादातर सबा कमर के ड्रामे पसंद है। जी पसंद नहीं है, उनके ड्रामे पसंद है। उनके ड्रामे पसंद है, और बागी उनका ड्रामा था एक, वहां से स्टार्ट किया था ड्रामा देखने। फिर जी मैं शोज देखता हूँ जो रमजान शो होते हैं, जैसे जी तो पाकिस्तान हो गया। लास्ट क्वेश्चन, फेवरेट फिल्म? थ्री इडियट्स। सोचना पड़ेगा इसे। सोचो क्या नाम था? अच्छा, हेरा फेरी। बाबूराव को देख के बोला। बाबूराव, थैंक यू सो मच, मुझे तो बहुत मजा आया। थैंक यू, हमने भी बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, ये था हमारा फोर्थ एपिसोड बोलो हक से, विद यू नो द यंग एंड इमर्जिंग स्टार्स रोहेल नजीर एंड फैसल अकरम। इंशाल्लाह आगे एपिसोड्स आते जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा।